हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक और नया ब्लॉग लेके। हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ डलमा घूमने, और चलो दिखाते हैं आप सबों को डलमा का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम अभी राइट लेंगे और फिर चलते हैं डलमा की ओर। जब भी आइएगा डलमा तो आप अकेले मत आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, ग्रुप में आइए, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल है जो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं नीचे की ओर एक तो रास्ता है जो पहाड़ के बीचों बीच एक गणेश मंदिर है वहाँ तक जाता है, और उधर से होके सीधा पाटी काली मंदिर तक पहुँचता है। ये सीढ़ी जो देख रहे हैं आप ऊपर की ओर जाता है, यहाँ एक गुफा है। चलो चल के देखते हैं गुफा का नज़ारा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और जा रहे हैं हम लोग मंदिर की ओर। अरे हर कलर में ये देखिए मेरे पौधे में बंदरों को बिस्कुट खिला रहा है, कितना अच्छा। आपको आपको बंदरों को बिस्कुट खिलाते हुए कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आप जब भी आए डलमा तो एक बार बंदरों को जरूर बिस्कुट खिलाए या फिर अन्य चीज। हम लोग ऊपर चलते हुए जा रहे हैं ऊपर की ओर। अब जब भी आए मेरा मोबाइल लेके मत भाग जाना रे भाई। ये देखिए इधर मेरा भाई बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर की ओर। Thank you.
गुफा के अंदर और आप सबों को भोले बाबा का दर्शन करवाते हैं। जगह थोड़ा सा है, भोले बाबा के पास देख सकते हैं। भोले बाबा के पास बाबा और आप लोग मैंने भगवान विष्णु बाहर मंदिर का दाम करके और आप यहाँ पर देखिए ऊपर में बजरंगबली सब बैठे हुए हैं। ये देखिए गुफा से निकलते ही इसका नज़ारा, यहाँ पर कितने सारे भक्त आए हुए हैं पूजा करने के लिए। ये देखिए बंदर सब है, हम अभी उधर उधर से घुसे, उधर से निकल के बाहर।